मेरा जूता है जापानी ये पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है। हिंदी सिनेमा को दुनिया भर में एक अलग पहचान देने वाला अभिनेता। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, जिसने तय किया एक स्पॉट बॉय से निर्माता निर्देशक बनने तक का सफर। जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा। लेकिन क्यों बॉलीवुड के इस सबसे बड़े शोमैन पर बार बार लगे पत्नी को धोखा देने के आरोप? क्या थी सच्चाई उनके चार चार अफेयर और डावाडोल शादी की? प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कौन थी वो अभिनेत्रियां जिनसे राज कपूर के नजायज रिश्तों की खबरें अखबारों की सुर्खियां बनती रहीं? छलिया मेरा नाम, छलिया मेरा नाम। और बॉलीवुड के इस दिग्गज अभिनेता को किसने और क्यों जड़ा था झन्नाटेदार थप्पड़? बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बस बने रहिए हमारे साथ। ३५ में महज 10 साल की उम्र में फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाले राज कपूर की पर्सनल लाइफ किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं थी। फर्श से अर्श तक का सफर तय करने वाले राज कपूर की निजी जिंदगी हमेशा विवादों में रही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो आज हम बात करेंगे राज कपूर साहब की पर्सनल लाइफ के कुछ किस्सों की। ये रात भीगी भीगी ये मस्त बिदाए उठा धीरे धीरे। हिंदी सिनेमा जगत में अब तक कई लव स्टोरी हुई है, किसी को मंजिल मिली तो कुछ अधूरी रह गई। इन्हीं में से कुछ कहानियां हैं एक्टर राज कपूर की जिनका नाम कई अदाकाराओं के साथ जुड़ा तो कई बार खूब आलोचनाएं भी हुई। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राज कपूर की इन प्रेम कहानियों का या यूं कहें कि नाजायज रिश्तों की पूरी कहानी आपको बयां करें, उससे पहले चलिए बताते हैं कि राज कपूर की शादी किससे हुई थी और उनकी शादीशुदा जिंदगी कैसी थी। साल 1946 में राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर ने उनकी शादी अपने मामा की बेटी कृष्णा मल्होत्रा से करवाई थी। कृष्णा मल्होत्रा प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ की बहन थी। वही प्रेमनाथ जिन्हें बॉलीवुड में मझा हुआ खलनायक और राजेंद्र नाथ जिन्हें बेहतरीन हास्य अभिनेता के तौर पर जाना जाता था। मध्य प्रदेश रीवा की रहने वाली कृष्णा मल्होत्रा के पिता करतार नाथ मल्होत्रा आईजी के पद पर तैनात थे। बताते हैं कि राज कपूर ने पहली बार कृष्णा को सफेद साड़ी में बालों में गजरा लगाए सितार बजाते हुए देखा था और उनकी खूबसूरती और फन पर फिदा हो गए थे। फिर क्या था, दोनों का रिश्ता पक्का हो गया और परिवार वालों ने बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी थी। कृष्णा और राज के 3 बेटे और 2 बेटियां हुईं। उनके बेटों के नाम रणधीर कपूर, ऋषि कपूर और राजीव कपूर थे जो बाद में एक्टिंग की दुनिया में दाखिल हुए, और बेटियां ऋतु कपूर और रीमा कपूर थीं। राज कपूर को अक्सर हिंदी फिल्मों और इंडस्ट्री को एक नए स्तर पर ले जाने का श्रेय दिया जाता है। तो वहीं जब हम इस अभिनेता का जिक्र करते हैं तो उनकी वुमनाइजर की छवि और अलग अलग कई महिलाओं से रिश्तों को लेकर भी कई नाम दिमाग में आते हैं। इसमें जो पहला नाम जहन में आता है वो है नरगिस का, क्योंकि जानकार बताते हैं कि ये रिश्ता जग जाहिर था और लगभग 1 दशक तक चला था। प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है। कहा जाता है कि नरगिस, पद्मिनी, वैजयंती माला और जीनत अमान जैसी कई अभिनेत्रियों के साथ राज कपूर के संबंधों से उनकी पत्नी कृष्णा पूरी जिंदगी परेशान रहीं। लेकिन इनमें से जिस अभिनेत्री के साथ राज कपूर का सबसे गहरा संबंध था वो थी नरगिस। अभिनेत्री नरगिस के साथ राज कपूर की जोड़ी को हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक जोड़ियों में गिना जाता था। रोती छोड़ के मत जाना। लेकिन कब पर्दे की ये जोड़ी असल जिंदगी में भी आंखों आंखों में गुफ्तगू कर बैठी, किसी को खबर नहीं लगी। कहो कि अपनी प्रीत का इतना बदलेगा।
कभी। बॉलीवुड गलियारों में राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी के खूब चर्चे हुआ करते थे। नरगिस राज कपूर की हर बात मना करती थी। अगर राज कपूर उन्हें किसी फिल्म या एक्टर के साथ काम करने से मना कर देते थे तो उनकी बात मानकर वो भी इनकार कर देती थी। नरगिस और राज कपूर का अफेयर लगभग 9 साल तक रहा था और उस दौरान दोनों ने आरके बैनर के साथ साथ 16 फिल्मों में साथ काम किया था। बताते हैं कि नरगिस राज कपूर से शादी करना चाहती थी और राज कपूर भी शादी के वादे करते रहे थे, लेकिन वो अपनी पत्नी कृष्णा को भी तलाक नहीं देना चाहते थे। पहले तो नरगिस को उम्मीद थी कि राज उनसे सच्ची मोहब्बत करते हैं और शादी भी जरूर करेंगे, लेकिन जब इस बीच राज कपूर के बच्चे भी पैदा होते रहे तो नरगिस को समझ आ गया कि राज कपूर अपनी पत्नी के साथ भी रिश्ते में हैं और मुझे भी सब्जबाग दिखाकर धोखा दे रहे हैं। आज तुम्हारी वजह से मेरा अपमान हुआ, मेरी जगह साई हुई। जिंदगी में पहली बार मुझे दुनिया के सामने नजर नीचे करनी पड़ी। लोग क्या कहते होंगे? लोग कहते तो कहने। लिहाजा तंग आकर नरगिस ने राज कपूर से राहें जुदा कर ली और अभिनेता सुनील दत्त के साथ शादी कर ली। बोला भागकर कहाँ जाओगी? छोड़ो मेरा हाथ। जंगली हूँ, गरीबन पर आवारा हूँ। मुझे शादी की नाजुक को छूने की तमीज नहीं। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। तो वहीं बताते हैं कि कृष्णा के भाई प्रेमनाथ और राजेंद्र नाथ ने अपने जीजा राज कपूर पर काफी दबाव बनाया था और उन्हें नरगिस से रिश्ता खत्म करने की हिदायत दी थी, जिससे आखिरकार राज कपूर को पीछे हटना पड़ा। आंसू भरी है ये जीवन की राहें। कहा जाता है कि नरगिस की शादी से राज कपूर को जोरदार झटका लगा कि नरगिस उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, जबकि वो खुद नरगिस और अपनी पत्नी कृष्णा दोनों को धोखा देते आ रहे थे। जाने कहां गए वो दिन कहते थे तेरी। जानकार बताते हैं कि राज कपूर तब इस कदर टूट गए थे कि वो गम में रात भर शराब पीते रहे थे। नजरों को हम बिछाएंगे। टीजीएस जॉर्ज अपनी किताब द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नरगिस में लिखते हैं कि जब 1958 में नरगिस ने सुनील दत्त से शादी की तो राज कपूर खुद को सिगरेट से जलाया करते थे। ऐसा कर वो ये देखते थे कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहे हैं कि अब नरगिस उनकी जिंदगी में नहीं है। कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। लेकिन यह सिलसिला यहीं रुकने वाला कहां था। 1960 के दशक में राज कपूर साहब का नाम वैजयंती माला के साथ जुड़ा और इस रिश्ते से उनकी शादीशुदा जिंदगी में जैसे भूचाल आ गया। अपनी शादी के 20 साल बाद राज कपूर वैजयंती माला के इश्क में गिरफ्तार हुए थे। दोनों का अफेयर 60 के दशक के सबसे सनसनीखेज लव अफेयर्स में से एक रहा था। मेरे आगे एक दीवानी है जिसका नाम जवानी, कोई देखो रे। खबरें तो यहाँ तक उड़ी कि राज कपूर और वैजयंती माला ने चोरी छिपे शादी तक कर ली थी। इस शादी की खबर जब कृष्णा कपूर तक पहुंची थी तब उनके सब्र का बांध टूट गया था। कृष्णा तब अपने बच्चों को लेकर मुंबई के होटल नटराज में जाकर रहने लगी थी। इस किस्से का जिक्र खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया था। ऋषि कपूर के मुताबिक नाराज कृष्णा को मनाने के लिए राज कपूर ने लाखों जतन किए थे। वो बार बार उनसे घर चलने की मिन्नतें किया करते थे, लेकिन कृष्णा तब तक नहीं मानी थी जब तक राज कपूर ने उस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए बंद नहीं कर दिया था। कहां साथ दोगे, कहां तक मेरा? वहां तक जहां आसमां झुक रहा। उन्होंने पत्नी कृष्णा मल्होत्रा से ये वादा किया कि वो अब कभी वैजयंती माला के साथ काम नहीं करेंगे। अपनी इस किताब के जरिए ऋषि कपूर ने वैजयंती माला पर भड़ास निकाली थी। नरगिस और वैजयंती माला के बाद राज कपूर का नाम एक्ट्रेस पद्मिनी के साथ भी जुड़ा। इन दोनों ने मेरा नाम जोकर में एक साथ काम किया था और कुछ हॉट दृश्य भी इन पर फिल्माए गए थे। लेकिन इनके प्रेम कहानी की शुरुआत जो कि सुर्खियों में रही थी वो मेरा नाम जोकर से नहीं बल्कि कहीं और से हुई थी। कहां से हुई थी इसकी शुरुआत वो भी जान लीजिए। पद्मिनी एक फिल्म प्रोड्यूसर के परिवार से थी। उनकी बड़ी और छोटी बहन भी एक्ट्रेस थीं।
1957 में रूस इंडिया ज्वाइंट प्रोडक्शन की मूवी जर्नी बियॉन्ड थ्री सीज बन रही थी। इसमें पृथ्वीराज कपूर के साथ पद्मिनी भी काम कर रही थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मॉस्को में राज और पद्मिनी की मुलाकात हुई थी। फिर जब 1960 में राज कपूर की फिल्म आई जिस देश में गंगा बहती है, तो इसमें पद्मिनी को लिया गया। इस मूवी का गाना हो मैंने प्यार किया, अगर आपने ना देखा हो तो जरूर देखें, क्योंकि इस गाने में राज कपूर ने अपनी हीरोइन के साथ कुछ प्रयोग किए। हो मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, इन आँखों का रंग हो गया। पहाड़ियों से घिरे एक तालाब में साड़ी में काफी बोल्ड अंदाज में पद्मिनी पर ये गाना फिल्माया गया, और जो काम राज कपूर नरगिस के साथ नहीं कर पाए थे वो उन्होंने पद्मिनी के साथ पूरा किया। यहाँ तक बॉलीवुड में शायद ये पहली बार था जब अंडर वाटर कैमरा लगाकर कोई सीन शूट किया गया था। तभी उनकी पद्मिनी से भी अफेयर की खबरें उड़ने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पद्मिनी ने अमेरिकी डॉक्टर रामचंद्रन से शादी कर ली और राज कपूर उनकी जिंदगी से बाहर हो गए। लेकिन इसके बाद 1970 में जब राज कपूर मेरा नाम जोकर बना रहे थे, तो पद्मिनी फिर से मूवीज में काम करने का मूड बना चुकी थी। राज कपूर ने सिमी ग्रेवाल और एक रूसी एक्ट्रेस के साथ उनको भी अपनी इस फिल्म में एक स्ट्रॉन्ग रोल दिया। इस मूवी में भी राज कपूर पद्मिनी के साथ एक बोल्ड सीन करना नहीं भूले और अपनी अधूरी दिली हसरत को पूरा कर लिया। बाद में पद्मिनी ने अमेरिका में अपना डांस स्कूल खोल दिया और वो वहीं पर शिफ्ट हो गईं। पद्मिनी को डेट करने की पुष्टि भी राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर ने ही साल 2017 में किया था। बोल्ड एंड ब्यूटीफुल जीनत तमान के साथ भी राज कपूर का नाम जुड़ा था। राज कपूर ने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में जीनत तमान को कास्ट किया था, और इसी दौरान दोनों की नजदीकियों और अफेयर की खबरों ने अखबारों की सुर्खियां बटोरी थी। ईश्वर सत्य है। कहा जाता है कि एक बार देवानंद ने जीनत के लिए होटल ताज में पार्टी रखी थी और अपने करीबी दोस्तों को भी पार्टी में बुलाया था। तब शराब के नशे में राज कपूर ने जीनत को सभी के सामने बाहों में भर लिया था। ये दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियां बन गईं और हर तरफ राज कपूर के एक और अफेयर की चर्चा ने जोर पकड़ लिया। लेकिन फिर जीनत अमान दूसरे बैनर की फिल्में करने लगी और राज कपूर को पीछे छोड़ दिया था। तो ये थे राज कपूर के अफेयर के किस्से। चलिए अब आपको बताते हैं वो किस्सा जब उन्हें जोरदार थप्पड़ रसीद हुआ था। बताते हैं कि एक क्लैपर बॉय से सुपरस्टार बनने तक के सफर में राज कपूर ने काफी मेहनत की थी और खुद को साबित किया था। 1930 के दशक में राज कपूर बॉम्बे टॉकीज में क्लैपर बॉय का काम करते थे। तभी एक फिल्म के सीन शूट होने के वक्त उन्होंने जैसे ही क्लैप किया, एक्टर की दाढ़ी उससे लगकर बाहर आ गई और इसी वजह से निर्देशक केदार शर्मा को गुस्सा आ गया और उन्होंने राज कपूर को थप्पड़ जड़ दिया। केदार शर्मा ने सबके सामने ही राज कपूर को ये जोरदार थप्पड़ मारा था, लेकिन जाने माने अभिनेता और निर्देशक पृथ्वीराज कपूर के बेटे होने के बावजूद राज कपूर ने खुद को संभाले रखा था और कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। ऊपर मैंने जिन बुक्स की चर्चा की है, अगर आप इनमें से किसी को खरीदना चाहते हैं तो इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो आपको आज का मेरा ये शो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर इस तरह का कोई और किस्सा राज कपूर साहब से जुड़ा हुआ हो जो कि आपको पता हो, तो वो भी लिखकर बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों साथ ही मोनूमेंट्स और रिलीजियस प्लेसेस के बारे में भी पूरी जानकारी मिलेगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कुछ और फिल्में इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ अगले शो में होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।